नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। रीट एग्ज़ाम की डेट कई बार बढ़ रही है, बढ़ चुकी है। अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को मंद मत पढ़ने दें और लगातार पढ़ते रहें, क्योंकि कोरोना काल में जब परीक्षाएं स्थगित हुई हैं काफ़ी सारी, तो स्टूडेंट्स थोड़े से ढीले पड़ चुके हैं। वो अपनी पढ़ाई जो जिस तेज़ गति से कर रहे थे उसको धीमा कर लिया है। बट स्टूडेंट्स, ये चीज़ बहुत ही हानिकारक सिद्ध होगी आप सबके लिए अगर आप भी मंद गति से चले हैं तो। आपने बचपन में कहानी सुनी होगी कछुए और खरगोश की, है ना? कछुआ तो धीरे धीरे चलता रहा तो रेस जीता, और जो खरगोश था वो तेज़ गति से दौड़ा और कुछ समय बाद जाके रुक गया, रेस्ट की इसने, और रेस्ट करने के कारण वो रेस को हार गया। तो रेस्ट तब तक नहीं करनी है जब तक गोल हमें नहीं प्राप्त हो जाता है। जब तक आप थर्ड ग्रेड टीचर नहीं बनते हैं रीट को क्लियर करके, तब तक रेस्ट तो डिक्शनरी से उठाना ही नहीं है। रेस्ट को दूर रखना है, आलस को दूर रखना है। चाहे 2 घंटे ही क्यों ना पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है एग्ज़ाम की जब डेट आएगी जब पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना स्टूडेंट्स। अगर गोल्स को प्राप्त करना है तो फिर कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी, ओके? दूसरी बात कि यूट्यूब चैनल में मैं थोड़ा सा वैसे ही बात कर रहा हूँ। कोई भी इसको मास्टर जी अगर कोई देख रहे हैं तो पर्सनली ना लें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि YouTube पर कितने ही टीचर पढ़ा रहे हैं, बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, शिद्दत से पढ़ा रहे हैं, इसमें से 5% ओनली 5% टीचर जो हैं वो कितने शांत चित्त से पढ़ाते हैं, सिर्फ टॉपिक की बात करते रहते हैं। बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका बड़ी शालीनता से आंसर भी देते हैं। बट 95 टीचर्स स्टूडेंट्स यूट्यूब पर एक्टर आ चुके हैं, टीचर नहीं है एक्टर है। इसके ऊपर मैंने FB पे फेसबुक पे भी एक पोस्ट डाली थी कि यूट्यूब पर जो अभी 95% टीचर ऐसे हैं जो एक्टर जाता है टीचर कम है। ओनली बकवास, नो क्लास, ओनली एक्टिंग नो टीचिंग, इस मेथड पे काम कर रहे हैं। और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का भी इसी टाइप से रेशियो है कि 95% स्टूडेंट तो एंटरटेनमेंट जाता है, पढ़ना नहीं चाहता, और 5% जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ना चाहते हैं। तो फिर वो ऐसे शायर और शायरी वाले मास्टरों को रिजेक्ट करते हैं। कितने टीचर हैं यार, आप YouTube पर देखो कितने टीचर हैं, एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया फिर शायर और शायरी पे आ जाते हैं। अपनी जुल्फें दिखा दो मुझे, सजाए मोहब्बत सुना दो मुझे, चाहत फिर भी कम ना होगी मेरी, चाहे सूली पे चढ़ा दो मुझे। अरे भाई तू टीचर है यार, क्या सूली पे चढ़ा दो, जुल्फे दिखा दो। बेरोजगार हैं, आप पे विश्वास कर रहे हैं, उनको पढ़ा दो, कोई ऐसी चीज बता दो जो उनके एग्जाम में आ जाए। ये जुल्फें और ये क्या, ये जुल्फें वुल्फें बाद में भी हो सकती हैं, लेकिन जो उसके सिलेबस में आने वाला था सीरियसली उसको तो बता दीजिए आप। बट ऐसा नहीं है। मुझे पता है मेरे इस वीडियो के पोस्ट करने के बाद जो ऐसे मास्टर जी हैं जो टीचर कम और शायर ज़्यादा हैं, वो अपनी एक फौज को कमेंट करने के लिए लगा देंगे, इस वीडियो पर कमेंट करने के लिए लगा देंगे, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है। अब कितने ही टीचर हैं, मैं उदाहरण दूं, जैसे मैंने 2 बार वीडियो देखे थे, सुमन लता मैडम हिंदी की, उत्कर्ष में पढ़ाती हैं शायद, कितनी शालीनता से बताती हैं प्रत्येक चीज को, आराम से बताती है किसी चीज को। कितने ही इसमें मैं इस, हालांकि उत्कर्ष से मुझे कोई लेना देना नहीं है उत्कर्ष कोचिंग से, बट मैंने जब भी जितने भी वीडियो देखे हैं उत्कर्ष क्लासेस के, टीचर कितनी शालीनता से बता रहा होता है। कोई भी शायर और शायरी नहीं होती, कोई ऐसा नहीं होता मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया, उसने ये कर दिया। अरे यार उसने जो कर दिया छोड़ो, आप अपनी शालीनता से पढ़ा रहे हो। बट 95 टीचर शायर आ चुके हैं, टीचर नहीं हो। तो स्टूडेंट्स, मैं ये नहीं कह रहा कि उनसे नहीं पढ़ना, उनको नॉलेज भी है, बट वो नॉलेज कम दे रहे हैं स्टूडेंट्स को और टाइम वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं।
कोई स्टूडेंट कह रहा है साहब जो है मेरी भैंस जो है आपकी क्लास को सुन सुन कर दूध देती है, वैसे ही गुरु जी उसको बता रहे हैं, वैसे ही उनके चेले हो रहे हैं, वैसे ही उनके गुरु जी हो रहे हैं। तो मैं ऐसे शिक्षकों से निवेदन करूंगा सर कि प्लीज़, बेरोजगार बहुत ज़्यादा है नौजवान, उनको उनकी बेरोजगारी दूर करने के संबंध में आप विषय की बढ़िया जानकारी दीजिए जितना भी आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मेरे को ये सब कुछ आता है, लेकिन मैं अपने लिए ये गारंटी ले सकता हूँ कि जितना मुझे आता है उतना मैं सही तरीके से बताता हूँ। जो चीज़ नहीं आती है वो बाद में किताबों से देख लेता हूँ और फिर स्टूडेंट्स को बता देता हूँ, बट सही बताते हैं। अपने आप में परिपूर्ण कोई भी नहीं है, बट स्टूडेंट का टाइम वेस्ट करना बहुत बुरी बात है। तो ऐसे यूट्यूब पर मैं ऐसे गुरुजनों को देखता हूँ तो बुरा लगता है कि आप शेर व शायरी कर रहे हो, आप जो है एक्टिंग कर रहे हो जिसकी ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स को। हाँ, उन ऐसे स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा है जो एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, बट वो गुरुजी इस चीज़ को समझ नहीं रहे कि वो बच्चा आपके मज़े ले रहा, भाई उसको एंटरटेनमेंट चाहिए, आप जैसा गुरुजी उसको मिल गया यूट्यूब पर तो वो अपना टाइम पास कर रहा है। लेकिन उन स्टूडेंट्स का क्या जो कि पढ़ना चाहते हैं, सीरियसली पढ़ना चाहते हैं। और मुझे, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इस वीडियो के पोस्ट होने के बाद ऐसे गुरुजी अपने ऐसे दर्शकों को कमेंट करने के लिए लगा देंगे, कुछ गालियाँ भी देंगे, कुछ 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 भी बोलेंगे, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो बात कहना चाहता था वो मैं आपसे कह रहा हूँ। रीट के स्टूडेंट्स जो हैं उनको बार बार मैं मेरे स्टूडेंट्स हैं या सभी स्टूडेंट्स को ये कहूँगा कि आप खरगोश की चाल चल कर रेस्ट मत कीजिए, आप कछुए की चाल चलते रहिए, एग्ज़ाम जब भी होगा निश्चित रूप से आप जीतोगे। और अभी तो एक और फैसला सरकार के द्वारा लिया गया CET का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि 20 प्रकार की भर्तियों के लिए लागू होगा। 20 प्रकार की भर्तियां इस CET के माध्यम से होंगी, जो एक तरह की पात्रता परीक्षा है। इसमें दो कैटेगरी बांटी गई हैं, ग्रेजुएशन आपने कर रखा है तो आपकी परीक्षा अलग टाइप से होगी, मतलब अलग प्रकार की भर्ती के लिए आप आवेदन करेंगे, और आपका जो CET होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। और जो एक 12th लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, 12th पास कर रखी हैं और 12th पास जिन भर्तियों के लिए योग्यता होती है उनके लिए CET अलग होगा, और उनका लेवल CET परीक्षा का 12वीं का ही होगा। तो ऐसी लगभग 20 प्रकार सरकारी नौकरियों के लिए CET आयोजित होगा, पात्रता परीक्षा होगी, हर साल होगी, और उसी CET के अंकों के आधार पर जो है आप जो परीक्षाएं होंगी उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और बार बार आवेदन करने की ज़रूरत नहीं होगी, इसका हमें ये फ़ायदा मिलेगा, बार बार फीस देने की ज़रूरत नहीं होगी, ये एक पात्रता परीक्षा होगी। सिर्फ CET पास करने से आपको नौकरी नहीं लगेगी, सिर्फ पात्रता परीक्षा होगी, जैसे पहले TET हुआ करता था राजस्थान में 3rd grade टीचर बनने से पहले। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते रहिए, रेस्ट नहीं करना है, गोल प्राप्त होगा उसके बाद भले रेस्ट करो, लेकिन अगले गोल की तैयारी करना वहाँ पर भी, लेकिन जब तक गोल प्राप्त नहीं हो, जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो, आपको रेस्ट नहीं करना है। नमस्कार, मैं यही कहना चाहता था। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना, और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक वाला बटन ऐसे आता ना उसको दबा देना, अच्छा नहीं लगे तो, और अच्छा लगे तो जरूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना। नमस्कार।